क्लास 7th में देखो बच्चों, सब्जेक्ट मैथ में आज लेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 9। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब लेंगे एक्सरसाइज 9 वन। एक्सरसाइज 9 है आपके, 8 तक का एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, तो उसको होमवर्क में भी आपको कंप्लीट करना है, साथ ही उनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब इसमें आता है रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 9 है जो क्या है, रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 9 यानी 9.1 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी टॉपिक का जो नेम है वो है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, इसकी आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के लिए क्या आएगा कि ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई टी। ए नंबर डेट कैन बी, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ए नंबर डेट कैन बी, डेट कैन बी एक्सप्रेस डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में शो कर सके, एक्सप्रेस कर सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यानी पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स है, कि वेयर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होगी, पी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है। ये आपको यहाँ पे देना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले इसके, एग्जाम्पल में जैसे 3/5 है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सो डेट 3, यानी कि जो ये फ्रैक्शन है 3/5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या आपके पास एक रेशनल नंबर है, जैसे -1/2, -1/2 इज ए, इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो डेट ये भी क्या आपके पास रेशनल नंबर। -3 × -10, तो ये बोथ साइन आर इक्वल, सो डेट ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि पी इज इक्वल टू -3 एंड क्यू इज इक्वल टू -5, 3/0 है, तो ये नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। 3/0 के आपके पास रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी इसमें क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो है, सो डेट ये रेशनल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि रेशनल नंबर है टू टाइप्स, रेशनल नंबर है टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रेशनल नंबर है टू टाइप्स, रेशनल नंबर है टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट कौन सी आती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड सेकंड आती है नेगेटिव रेशनल नंबर। यानी फर्स्ट आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेकंड इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें जो साइन है पी एंड क्यू के साइन इक्वल हो, पी एंड क्यू के जो बोथ साइन है वो इक्वल हो। जैसे 3/5 है, इसमें बोथ साइन देखो पी एंड क्यू सेम साइन है, प्लस का साइन प्लस साइन, तो ये किस टाइप में आएगी, पॉजिटिव में। जैसे -3 × -10, तो बोथ साइन आर माइनस सेम है बोथ साइन आर, तो सो डेट -3/10 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड 2/5 बोथ साइन आर इक्वल, तो साइन इक्वल है तो वो कौन सी रहती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, बोथ साइन आर इक्वल, इसमें जो साइन है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहे। नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर, तो इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, कि बोथ साइन आर अनइक्वल, बोथ साइन आर अनइक्वल, यानी इसमें साइन इक्वल नहीं होंगे। जैसे -3/5 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहां माइनस साइन प्लस साइन, तो बोथ साइन आर नॉट इक्वल, यानी 2/-5 और -3/5, ये किसके एग्जांपल आपके पास,
नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जांपल से, ऑल इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर में कौन से हैं, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो क्या आपके पास रेशनल नंबर है। अब 9.1 हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 9.1। ये थी मेन बात। अब 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लिस्ट 5 रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन -1 and 0, इसके बिटवीन आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर। अब यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आप सोचो। क्वेश्चन को आप एक बार रीडिंग करो कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उनके बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, ये तो इसका आंसर आपके पास रहेगा इन्फिनेटिव। इसका आंसर क्या रहेगा, इन्फिनेटिव या फिर मेनी, इन्फिनेटिव और मेनी। जैसे मान लो कोई भी टू रेशनल नंबर है, 1 और 2 है, तो इनके बिटवीन बहुत से रेशनल नंबर हो जाएंगे, पर बहुत से में हमारे को ओनली है कितने फाइंड करने हैं, ओनली 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, ओनली 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो इनकी भी वो रेशनल नंबर हमारे जो आंसर शीट है उससे भी मैच कर सकते हैं, कभी कभी आंसर शीट से मैच नहीं भी करेंगे, क्योंकि बिटवीन हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास कितने रेशनल नंबर होते हैं बिटवीन रेशनल नंबर के, मेनी रेशनल नंबर या इन्फिनेटिव रेशनल नंबर, जो उनमें से ओनली हमारे को 5 ही फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ आंसर में क्या रहेगा इसके, मेनी। तो हमारे आंसर जो आपकी आंसर शीट है उससे मैच भी करेंगे और नहीं भी कर सकते, तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इसकी संभावना है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब जैसे यहां से देखो -1 and 0 है, -1 and 0, तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे इसको, यानी -1 and सेकंड है आपके पास 0, यानी कि आपको कितने फाइंड करने हैं, 5, ओनली 5 फाइंड करने हैं, तो 5 पे 1 ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया 6, तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6/6 से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 रेशनल नंबर है जिसमें 1 और ऐड कर दो 6, और ऐसे साइन इसको 6 × 6, तो 6 बन गया -6/6 and 0/6। अब आपको यहाँ पे लेना नंबर लाइंस, नंबर लाइंस आप लोग, ये नंबर लाइंस हैं 0, और 0 के राइट साइड +1, 2, 3, 4, 5, ये राइट साइड, और लेफ्ट साइड जब से लेंगे तो माइनस में आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। और अब यहाँ से आपको लेना 0/6, तो 0/6, -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6, तो इसके बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड करने, जिसके बिटवीन कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं आपके पास, 5 रेशनल नंबर, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, तो ये आपके पास क्या होंगे रेशनल नंबर, यानी कि -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, तो ये रेशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन -1 and 0, -1 and 0 के बिटवीन रेशनल नंबर है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन जिसको नोट करना है नोटबुक में, होमवर्क में, साथ ही ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस भी करो, इंपॉर्टेंट है, ये आपके 8th क्लास में भी रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, 9th में भी आपके होंगे ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका -2 and -1, सेकंड क्वेश्चन है
माइनस टू एंड माइनस वन। तो इसमें भी देखो फाइव रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितने फाइंड करने हैं, फाइव रेशनल नंबर, तो फाइव में वन और एडिंग कर दो तो टोटल कितना हो गया, सिक्स हो गया। यदि आपको यह क्वेश्चन पूछता कि लिस्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन, तो सिक्स तो वो प्लस वन और एड कर दो उसमें, सेवन सेम टू कर दे, लेकिन फिलहाल ये किस सेम टू करेंगे, फाइव है तो फाइव प्लस वन टोटल सिक्स, तो माइनस टू इंटू सिक्स बाई सिक्स एंड सेकेंड माइनस वन इंटू सिक्स बाई सिक्स, तो सिक्स टू जो माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स एंड सिक्स वन जो माइनस सिक्स बाई सिक्स एंड इसके बिटवीन हम देखते हैं तो आपको यहाँ नंबर लाइन राइट करनी पड़ेगी, ये नंबर लाइन जीरो एंड राइट साइड प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इनके अपॉन में सिक्स आप राइट कर सकते हो, सिक्स सिक्स सेवन सिक्स 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 एंड यहाँ से माइनस वन बाई सिक्स माइनस टू बाई सिक्स माइनस थ्री बाई सिक्स माइनस फोर बाई सिक्स माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस सिक्स बाई सिक्स एंड नेक्स्ट हम लेते हैं माइनस सेवन बाई सिक्स माइनस एट बाई सिक्स माइनस नाइन बाई सिक्स, इसके आफ्टर वाले स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, नाइन बाई सिक्स माइनस टेन बाई सिक्स माइनस इलेवन बाई सिक्स एंड माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स, तो इसके बिटवीन आपको किनके बिटवीन लेना है, माइनस सिक्स बाई सिक्स एंड माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स, माइनस सिक्स बाई सिक्स एंड ट्वेल्व बाई सिक्स के बिटवीन ये आ गया आपके फाइव रेशनल नंबर, यानी कि माइनस एट बाई सिक्स, यहां से राइट कर रहा हूं माइनस एट बाई सिक्स सॉरी माइनस सेवन बाई सिक्स माइनस एट बाई सिक्स माइनस नाइन बाई सिक्स टेन बाई सिक्स एंड इलेवन बाई सिक्स, ये आ जाएगी बिटवीन रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का, क्योंकि इसमें जो मेथड है वो चेंजिंग है नेक्स्ट वाले, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, थोड़ा सा इससे चेंजिंग आपको मिलेगा, थोड़ा सा इससे चेंजिंग आपको मिलेगा, यानी कि लिस्ट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, और इस बार क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है माइनस फोर बाई फाइव एंड सेकेंड है आपके पास माइनस टू बाई फाइव, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमेटर्स है जिसके डिनोमेटर्स है इनको सेम करेंगे, यानी एक में तो डिनोमेटर्स फाइव है और एक फ्रैक्शन में है थ्री, जिसके डिनोमेटर्स को हम सेम करेंगे, सेम डिनोमेटर्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका एलसीएम फाइंड करो, फाइव एंड थ्री का एलसीएम लो, तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा, एलसीएम ऑफ फाइव एंड थ्री, फाइव एंड थ्री का एलसीएम आ जाएगा फिफ्टीन, तो इसको फिफ्टीन से इंटू करो, यानी कि आपको यह फिफ्टीन लेके आना है, इसको यहाँ पे कितना लेके आना है, फिफ्टीन आपको लेके आना है, तो हम इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से डिवाइड करो फिफ्टीन को, फाइव से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन को, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना है फोर इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री से इंटू कर दो, एक बार वो समझ लो, यहाँ से फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फाइव एंड थ्री का एलसीएम फाइंड करेंगे, फाइव एंड थ्री का एलसीएम कितना आया, फिफ्टीन आपके पास, एंड नेक्स्ट स्टेप में फाइव से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन, यानी फिफ्टीन डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो इसको थ्री बाई थ्री से इंटू करेंगे, एंड नेक्स्ट इसको माइनस टू बाई थ्री को किससे इंटू करेंगे, तो थ्री से डिवाइड करो फिफ्टीन को फाइव टाइम, तो इसको हम किससे इंटू करेंगे, फाइव बाई फाइव से, फाइव बाई फाइव से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड फाइव टू जा माइनस टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, जो नंबर लाइन ले हम तो नंबर लाइन में मान लो ये तो माइनस ट्वेल्व बाई फिफ्टीन, ये माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन और ये माइनस टेन बाई फिफ्टीन, तो इसके बिटवीन ओनली वन ही आपके पास रेशनल नंबर आई है, इलेवन बाई फिफ्टीन। अब नेक्स्ट हमारे को रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसको टू से इंटू कर दो, थ्री से इंटू इसको कर देते हैं, देख देखो इनको हम बहुत अब सेम से इसको इंटू कर सकते हैं, जो नेक्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप टू इंटू
यानी 2 बाई 2 से भी इंटू कर सकते हो और 3 बाई 3 से भी इसको हम इंटू कर सकते हैं, 2 बाई 2 से एंड 3 बाई 3 से। तो नेक्स्ट हम इसको एक साथ ही 3 बाई 3 से इंटू कर देते हैं, या पहले देखो 2 बाई 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस 12 15 इंटू 2 बाई 2 एंड सेकेंड है माइनस 10 माइनस 10 बाई 15 इंटू 2 बाई 2 यहाँ एंड का यूज आप कर सकते। तो 12 बाई 2 जो माइनस 24 बाई 15 टू जा 30 एंड नेक्स्ट यहाँ से 10 टू जा माइनस 20 एंड 15 टू जा 30। तो इसके बिटवीन हम लेते हैं तो 20 के आफ्टर माइनस 21 बाई 30 20 2 बाई 30 एंड 23 बाई 30। तो कितने आ गए रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर आपके पास आ गई है, 3 प्लस 1 टोटल कितनी हो गई 4 रेशनल नंबर। लेकिन अब हमारे को क्वेश्चन में कितनी फाइंड करनी है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हम अब इसको किससे इंटू करेंगे, 2 बाई 2 की जगह 3 बाई 3 से, माइनस 12 बाई 15 इंटू 3 बाई 3 एंड नेक्स्ट लेते हैं माइनस 10 बाई 15 इंटू 3 बाई 3। तो 12 बाई 3 जा माइनस 36 बाई 45 एंड माइनस 30 बाई 45, इसका प्रोडक्ट आ गया, इसका प्रोडक्ट। अब इसके बिटवीन देखो डिनोमेटर सेम है इनका, डिनोमेटर कितना है 45, तो 31 के आफ्टर सॉरी 30 के आफ्टर माइनस 31 बाई 45, 32 बाई 45, 33 बाई 45, माइनस 34 बाई 45 एंड माइनस 35 बाई 45। इसके बिटवीन आपके पास रेशनल नंबर ही आ गई, ये आपके पास क्या आ जाएगी बिटवीन रेशनल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमने यहाँ कितनी फाइंड कर ली है, 9 रेशनल नंबर। तो इनमें से आप एनी 5 यहाँ राइट कर सकते हो इसके आंसर में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3। इन क्वेश्चनों को नोट करते रहना है आपको, इनकी प्रैक्टिस आपको करता रहना है। यानी कि माइनस 1 बाई 2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, माइनस 1 बाई 2 एंड सेकेंड है इसके अंदर 2 बाई 3, 2 बाई 3। तो नेक्स्ट में अब आपको लेना है इसका जो डिनोमेटर्स है वो सेम नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। क्या फाइंड करना है आपको इसमें, एलसीएम फाइंड करना है एंड एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 एंड 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, तो फर्स्ट में इसको इंटू करेंगे 3 बाई 3 से एंड 2 बाई 3 इंटू, अब 3 से डिवाइड करो 6 को 2 टाइम, तो इसको किससे इंटू करेंगे 2 इंटू 2 से। अब नेक्स्ट देखो 3 बन जा माइनस 3, 3 टू जा 6 और 2 टू जा 4, 3 टू जा 6। तो इनके बिटवीन आपको राइट करने, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा नंबर लाइन का, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के बजाय इजी। तो आपको नंबर लाइन का यूज करना है, नंबर लाइन से माइनस 3 बाई 6 आ गए यहाँ, यहाँ क्या आ गए 4 बाई 6। अब आपको इसके लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट साइड चलेंगे तो 3 बाई 6, 2 बाई 6 प्लस 2 बाई 6, 1 बाई 6, 0 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 माइनस 2 बाई 6। तो इसमें टोटल आंसर आपके पास ये आ गए माइनस 3 बाई 6। तो इसके बिटवीन रेशनल नंबर आपके पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर। तो इनमें से आपको एनी 5 रेशनल नंबर राइट करनी है, एनी 5 रेशनल नंबर्स आपको यहाँ पे राइट करनी है इसके सॉल्यूशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर और फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन आप लिखो लिस्ट 3 रेशनल नंबर, एक दो क्वेश्चन है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उसी टाइप के हैं, उसको फाइंड करके देखो इसके आंसर में क्या आएगा, इन्फिनिटिव हो सकता है और आंसर सभी बच्चों के इसमें मैच करें या नहीं करें। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3, लिस्ट 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स नंबर्स बिटवीन बिटवीन। फर्स्ट क्वेश्चन आप राइट करो
माइनस टू एंड माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस वन। सेकेंड क्वेश्चन आप राइट करो जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इनकी, कि माइनस फाइव बाई सेवन, माइनस फाइव बाई सेवन एंड माइनस थ्री बाई एट, माइनस थ्री बाई एट। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करो, माइनस टू एंड माइनस सेवन। ये थ्री क्वेश्चन है आपको जो सेल्फ में प्रैक्टिस के लिए करने हैं घर पे बैठे बैठे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या रीडिंग करो, उसमें जो पैटर्न है पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। राइट फोर मोर रेशनल नंबर्स, राइट फोर मोर रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट फोर मोर रेशनल नंबर, राइट फोर मोर रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। फॉलोइंग पैटर्न्स जो फॉलोइंग पैटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट है इसमें माइनस थ्री बाई फाइव, सिक्स बाई टेन, माइनस सिक्स बाई टेन, माइनस नाइन बाई फिफ्टीन। अब इसका एक रिलेशन चल रहा है इसमें, आप उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है, माइनस ट्वेल्व बाई ट्वेंटी। तो नेक्स्ट फोर और आपको राइट करने, तो फर्स्ट देखो यहां से थ्री वन जै थ्री, थ्री टू जै सिक्स, थ्री थ्री जै नाइन, थ्री फोर जै माइनस ट्वेल्व। एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा यहां से, फाइव टाइम इंटू कर दो थ्री को, थ्री को किससे इंटू करेंगे, माइनस फाइव से, फाइव से इंटू कर दिया। एंड फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, या फाइव की टेबल कन्वर्ट हो रही है, इसको भी फाइव से इंटू कर दिया, फाइव इंटू फाइव यानी फाइव बाई फाइव से, तो माइनस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव आ जाएगी। नेक्स्ट इससे अब नेक्स्ट कौन सी आएगी, इसको सिक्स बाई सिक्स से इंटू कर देंगे, माइनस थ्री बाई फाइव इंटू सिक्स बाई सिक्स, तो सिक्स थ्री जा 18 बाई 30 नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट इसके माइनस 3 बाई 5 इंटू, अब नेक्स्ट इंटू करेंगे 7 बाई 7 से, तो 7 थ्री जा माइनस 21 बाई 35। अब नेक्स्ट हम इनकी नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो इसको 8 बाई 8 से इंटू करेंगे, माइनस 3 बाई 5 इंटू 8 बाई 8, तो 8 थ्री जा माइनस 24 और 8 फाइव जा 40। तो ये इसमें रेशनल नंबर आपके पास आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि आपको जो पैटर्न है गिवन है उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है एंड नेक्स्ट आपको स्टेप को कंप्लीट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, सेकंड थर्ड सेकंड क्वेश्चन है माइनस वन बाई फोर, माइनस टू बाई एट, माइनस थ्री बाई फोर, ए थ्री बाई ट्वेल्व। अब नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है तो वन से टू, टू से इंटू, फिर थ्री से इंटू, फिर इससे होगा फोर से, ऐसे फोर टू जाए एट, फोर थ्री जाए तो फोर से इंटू, तो माइनस वन बाई फोर इंटू फोर बाई फोर, माइनस वन बाई फोर इंटू नेक्स्ट करेंगे फाइव बाई फाइव से इंटू, माइनस वन बाई फोर इंटू सिक्स बाई सिक्स एंड माइनस वन बाई फोर इंटू सेवन बाई सेवन। तो ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करते हुए प्रोडक्ट करना है, 4 इंटू वन माइनस फोर बाई फोर, फोर जा 16। इसको यहां से कट नहीं करना है, डिजिट को कट करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, यानी 5 बन जाए माइनस फाइव बाई 20। तो यहां से तो 4 की टेबल कंप्लीट हो रही है, यहां पर 1 की जो टेबल है वो कंप्लीट हो रही है। 6 बन जाए माइनस सिक्स बाई 24, तो नेक्स्ट है माइनस सेवन बाई 20। तो ये इसके आंसर आपके पास आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है जो आपको सेल्फ करनी, क्वेश्चन लिखो थर्ड है माइनस वन बाई टू, यानी माइनस साइन यहां टू बाई
माइनस फोर ए सॉरी यहां सिक्स है यहां ट्वेल्व, थ्री बाई माइनस एटीन, फोर बाई माइनस ट्वेंटी। तो इसके नेक्स्ट फोर टर्म्स और आपको राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास टू बाई माइनस थ्री, टू बाई माइनस थ्री, फोर बाई माइनस सिक्स, नेक्स्ट है सिक्स बाई माइनस नाइन। नेक्स्ट फोर टर्म और आपको राइट करनी है, फोर मोर रेशनल नंबर्स और आपको फाइंड करनी है। यानी कि आपको मेन क्या है कि जो इसके अंदर आपको जो गिवन के अंदर है जो पैटर्न, उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट आगे चलना है। तो इन क्वेश्चनों को नोटबुक में भी कीजिए, होमवर्क में, यानी नोटबुक होमवर्क में आपको करना है, साथ में प्रैक्टिस करो, और बुक्स नहीं खरीदी है तो बुक्स भी खरीदो आप।